तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले हैं अखिलेश यादव, अभिभाषण सुनना एक परंपरा, सभी सुनते हैं। ये राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं, सरकार का भाषण है। तो उनकी तरफ से ये बात कही गई, ये राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं बल्कि सरकार का भाषण है। अभिभाषण सुनना एक परंपरा, सभी सुनते हैं। तो ये राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं बल्कि सरकार का भाषण है, उनकी तरफ से ये बात जो है यहाँ पर कही गई। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बड़ी जानकारी है यहाँ पर। अभिभाषण सुनना एक परंपरा, सभी सुनते हैं, उनकी तरफ से कहा गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोले हैं अखिलेश यादव। दावा करती है कि दुनिया की पांचवीं अर्थव्यवस्था और तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये पांचवीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? और फिर अगर पांचवें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है, तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है, कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम पांचवें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है, उसके लिए क्या है सरकार का? ये सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया, और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो कि उन्हें ये लगा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब शपथ लेने गए थे तो प्रणाम नहीं किया था, हो सकता है इसी वजह से उनकी भावना इस तरह की आई हो कि हटे।